किसी भी सफल कहानी के पीछे होती है मेहनत और एक सपोर्ट सिस्टम जो कि हमेशा आपके साथ रहता है। जब आप सफल हो जाते हैं तो पूरी दुनिया आपकी कहानी जानना चाहती है, तो हम भी आज कहानी जानना चाहते हैं एक ऐसी ही सक्सेस स्टोरी की। मेरे साथ है सौम्य और उनके माता पिता, जिनसे हम जानना चाहेंगे उनकी सफलता की कहानी, उनके स्ट्रगल और उनका एक्सपीरियंस। सबसे पहले आप सभी को कंग्रेचुलेशंस एंड वेलकम। थैंक्स। अच्छा सौम्य, ये बताइए थोड़ा अपने बारे में, आप कहाँ से हैं? मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से हूँ, वहीं से टेंथ तक मैंने मेरा पढ़ाई वहीं से किया था। तो उसके बाद ट्वेल्थ में मैं मतलब अगला 2 साल के लिए एलएन से ही प्रिपरेशन करने की ठान ली थी, मतलब नीट में अच्छा स्कोर करने का। ओके। इससे पहले कि थोड़ा मैं आपसे और बात करूं, आपकी मदर से जान लेते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, कितने टाइम से आप बेटे के साथ थी और नाम भी हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम शोना मन्ना है जी। मेरा बेटा दोनों के लिए एलएन रहती हूँ 2 साल के लिए। अच्छा, कोटा में रह रही है 2 साल से। मेरा बेटी पहले साल नीट क्लियर हो, पिछले साल। अच्छा सर, आप के बारे में मुझे ऑलरेडी सौम्य ने बताया, लेकिन जानना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं, आपका प्रोफेशन क्या है और कितने साल में हैं आप उस प्रोफेशन में? बाय प्रोफेशन आई एम डॉक्टर हूँ, नाउ आई एम पोस्टेड एट बांकुड़ा सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज। लेकिन मेरा लिखा पढ़ा तो बहुत रिमोट विलेज ऑफ द कंट्री हुआ है। जैसे आरजीगढ़ मेडिकल कॉलेज का मैं स्टूडेंट हूँ जी। तो कोविड चल रहा है, इसीलिए माध्यमिक भी नहीं हुआ है जी। इसलिए मैं डिसीजन टेकिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा जी। लेकिन वो एलएन का एक एग्जाम हुआ है जी। मेरा लड़का टैलेंट एग्जाम के टैलेंट एक्स एग्जाम के बाद जी। मैं डिसीजन लिया जी, वो लड़का को एलएन में भेजाएगा स्टडी करने के लिए। वो अप टू 10 तक बाड़नगर रामकृष्ण मिशन एक स्कूल है कोलकाता से जी। वहाँ स्टडी करा okay. लेकिन तो कोविड के लिए तो माध्यमिक नहीं हुआ है जी। इसलिए जस्ट जो नंबर हुआ तो स्कूल के टेस्ट एग्जाम में जो नंबर था जी। वो नंबर वो स्कोर किया। ओके। देन 2021 के सितंबर में जी। ये मेरा लड़का को साथ मेरा लड़की भी एक क्रैश क्रोस के कोर्स के लिए यहाँ आया जी। मधुरिमा मन्ना उनका नाम है जी। वो लास्ट ईयर 610 स्कोर के कोलकाता में एक मेडिकल कॉलेज में स्टडी कर रहा है। अरे वाह, अच्छा सौम्य। हाँ, योर फ्रंट में मेरा लड़का 710 स्कोर की एनटीए के फाइनल जो आंसर की देखा हुआ है जी। लेकिन रिजल्ट तो अभी नहीं हुआ है। अच्छा सौम्य दीप, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपके पेरेंट्स ने बताया, दीदी भी थी साथ में, उन्होंने भी नीट क्रैक किया लास्ट ईयर, तो एक तो उनका मोटिवेशन हाँ। वो भी रहा होगा डेफिनेटली, और ओवरऑल यहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस रहा प्रिपरेशन के? कोटा का 2 साल का एक्सपीरियंस अमेजिंग था, मतलब जर्नी बहुत ही अच्छी थी कोटा का जी। तो कोटा का जैसे सराउंडिंग्स है, टीचर्स का मोटिवेशन है, तो ये हमको बहुत हेल्प किया मेरे पूरा 2 साल का प्रिपरेशन में। और ऊपर से मेरी दीदी भी पिछला साल नीट क्रैक की थी, तो वो भी लगातार मोटिवेशन देती रही कि ऐसे पढ़ो, तो मतलब उसका एक गाइडेंस भी मिला मुझे कि ऐसे पढ़ने से आराम से नीट में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ऊपर से टीचर्स लोग भी मोटिवेट किया, और यहाँ का सबसे जो फर्स्ट प्रेफरेंस मुझको लगा कि एक शेड्यूल्ड लाइफ स्टाइल, जो 10th तक मेरे एकदम लाइफ स्टाइल कुछ नहीं था, लाइफ स्टाइल नाम का चीज़ ही कुछ नहीं था, बस पढ़ते रहो, टेस्ट आ रहा है टेस्ट दो। पर यहाँ में आके मुझको पता चला कि पढ़ते कैसे हैं okay. तो यहाँ पे इस चीज़ का बहुत फायदा मिला मुझे, शेड्यूल बन गया। ओके okay. अच्छा ये बताइए, आपके फादर डॉक्टर हैं जैसे हाँ. उन्होंने बताया अभी, तो इंस्पायर किसने किया? फादर ने, घर पे माहौल था, पहले से स्टूडेंट्स थे, बनना चाहते थे या बाद में डिसाइड किया? नहीं, पहले तो जब बहुत छोटे थे तब तो लगा था कि एस्ट्रोनॉट बनेंगे, पर मम्मी ने बोली कि नहीं, पापा डॉक्टर हैं तो डॉक्टर्स लाइन में जाओगे तो गाइडेंस मिलेगा। तो हमको भी लगा नहीं, 9-10 से सोचा कि नहीं, एक ही चीज़ में फोकस करते हैं, तो उस टाइम से ही नीट के आसपास का पढ़ाई थोड़ा बहुत स्टार्ट okay. कर दी थी। ओके okay. अब आते हैं, आपका अपने शेड्यूल के बारे में मेंशन किया, क्योंकि कोई भी आपको टारगेट अचीव करना है, कोई भी लक्ष्य हो सकता है आपका, उसके लिए एक प्रेपरेशन के लिए स्ट्रेटेजी और एक शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी है। तो आपका क्लासेस कब होती थी और आपका पूरा दिन भर का क्या शेड्यूल रहता था, स्पेशली उनके लिए जो बच्चे अभी प्रिपेयर करने वाले हैं? मेरा जैसे इवनिंग शेड्यूल था, तो मेरा लगभग 1:45 से
अप टू 8-10 PM तक तो क्लास ही चलता था, तो इसलिए मेरे को दो शिफ्ट में पढ़ाई करना पड़ता था कि एक सुबह का शिफ्ट एक शाम का शिफ्ट। तो सुबह मैं लगभग 7:30-8 बजे उठ के उस टाइम 3-4 घंटा के एक पढ़ाई का टाइम, और उसके बाद क्लास से आने के बाद थोड़ा सा थक जाते थे तो उस टाइम 1-2 घंटे का पावर नैप लेके फिर 3 घंटा का पढ़ाई। तो डेली लगभग 4-5 घंटे का सेल्फ स्टडी मिल जाता था क्लास के अलावा। तो यही शेड्यूल रहा। अच्छा ये बताइए कि सौम्य होता है जब आप तैयारी करते हैं, आपने पहले भी बताया कि एक शेड्यूल नहीं था पहले लाइफ में, एक पूरी प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं था, जब आप एलन में आए, जब आपने प्रिपरेशन किया, आपको एक स्ट्रक्चर भी यहाँ से मिला, तो उस पूरे स्ट्रक्चर से एलन सिस्टम से कितना मदद मिली आपको राइट प्रिपरेशन करने में? नहीं मतलब एलन तो बहुत हेल्प किया, ऊपर से टीचर्स लोग यहाँ का बहुत ही हेल्पफुल है, वो लोग बताया कि कैसे पढ़ना है, हर डेली का रूटीन डेली कर लेना है, कोई बैकलॉग नहीं जमा करना है। तो क्योंकि एक बार जब बैकलॉग बन जाता है तो वो बहुत मतलब 4-5 दिन तो एक ही बैकलॉग को क्लियर करने में ही लग जाता था। और सर लोग जो जो होमवर्क डेली का बेसिस में वो डेली बेसिस में करना है, होमवर्क को पीछे कि हम ये 2 दिन बाद करते हैं तो ऐसे करके वो एक एक्युमुलेट होता जाता है। तो हम सर लोग हमेशा बोलते थे कि डेली पढ़ा डेली करो, डेली की पढ़ाई जो है वो डेली करना चाहिए। और टेस्ट का भी एक अलग से शेड्यूल की साथ साथ में जो डेली का पढ़ाई डेली, और ऊपर से बैक मतलब पिछले का रिवीजन भी थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट हर 3 वीक बाद में जो टेस्ट आता है उसमें सिर्फ तो करेंट पोर्शन नहीं आएगा, बैक पोर्शन भी आएगा, तो उसका भी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई मतलब ऐसे करके टीचर्स लोग हेल्प किए। आपने टेस्ट की बात यहाँ मेंशन की, एलन टाइम टू टाइम ये टेस्ट ऑर्गेनाइज करता है, खुद को एनालाइज भी कर सकते हैं, कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारा एनालिसिस आपको मिल जाता है। हाँ। तो आप टेस्ट देते थे और उससे कितना हेल्प मिला आपको? टेस्ट तो मैं रेगुलर कोई भी टेस्ट अब तक एलन में मिस नहीं किया था, पर टेस्ट से बहुत ही हेल्प मिला कि एक बार सबसे बड़ी बात जो हम लोग को टीचर बोलते थे कि एक बार जो गलती करूँ वो दूसरे टेस्ट में ना हो, तो इसलिए एक डायरी में जो जो गलती हुआ उसको लिखते थे और हर टेस्ट के पहले आधा घंटा एक बार देख लेते थे कि पिछला टेस्ट में मेरा ये गलती हुआ तो ये गलती दोहराए मत जाए। तो ऐसे करके अगर हर टेस्ट में हमको कुछ कुछ क्वेश्चन करेक्ट होता जाएगा तो नीट तक आते आते तो लगभग ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं रहेगा जो गलत हो सकता है। तो ये बहुत फायदा किया हमको। अच्छा अभी मम्मी से बात करेंगे आपकी, उन्होंने बताया हमें कि वो बेटी के साथ में भी थी, पहले बेटी ने क्रैक किया। तो एक होता है ना जब आप किसी दूसरे शहर से आते हैं, आप वेस्ट बंगाल से आए, भाषा अलग है ना, आप हिंदी नहीं बोलते, आप बंगाली बोलते हैं। तो जब आप यहाँ पर आए बेटी के साथ में और दोनों ने क्रैक भी कर लिया, देख लीजिए है ना, नीट का लास्ट ईयर और इस साल आपके बेटे ने, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? कितने टाइम में घर जाते थे आप, इस दौरान घर कितनी बार गए? कितनी बार मैंने पहले साल एक ही बार दिवाली में घर गया था। अच्छा पहले शुरुआती एक साल में एक बार नहीं, 2022 में बस एक ही बार एक ही बार। ओके तो फिर कैसे मैनेज कर पाते थे सारी चीजें, बच्चों के लिए कुछ भी ऐसा करके दिमाग में कुछ था? हाँ। दिमाग में मैंने मेरा तो बेटियों बहुत पढ़ाई किया, मैंने बहुत कोशिश, बेटियों बहुत कोशिश करी, बेटा बहुत कोशिश, फोकस वही था। हाँ इसीलिए बहुत कम। और सर आपने कैसे मैनेज किया फिर, आप आते रहते थे और आपको यहाँ का जब कोटा आते थे, यहाँ का जो माहौल है, कहते हैं मिनी इंडिया है, पढ़ाई का बहुत माहौल है, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा बच्चों के साथ में? मेरा लड़की लड़का दोनों भी यहाँ भेजा है 2021 सितंबर के जी। लड़की का तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है इनके साथ पढ़ा के लिए जी। लेकिन दूसरा एक फ्लैट भाड़ा किया है अलग स्टडी करने के लिए जी। देन वो क्रैक किया, ये तो बहुत बढ़िया बात है जी। देन लड़का के लिए उनका मामी यहाँ साथ रहता है, मेरा काफी सैक्रिफाइस किया मम्मी ने, एक बार मैं तो गवर्नमेंट जॉब है इसीलिए जस्ट 1 वीक स्टे करे रिटर्न बैक टू कोलकाता। ओके, तो कंप्लीटली मम्मी यहां पे संभाल रही थी बहुत सारी चीजें। लास्ट 2 इयर्स में वो दोनों लड़का एंड माय वाइफ कोलकाता, एक ही बार गया था। सौम्य अब आपके पास आते हैं, उनका भी एक स्ट्रगल आपके साथ में चल रहा था, फादर वहाँ पर थे, मम्मी यहीं थी, दीदी भी आपको मोटिवेट कर रही थी, तो इस दौरान जब आप पढ़ाई कर रहे थे एलन में, स्टडी मटेरियल को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती है, हर एक स्टूडेंट बात करता है,
तो आपको कितना हेल्पफुल रहा प्रिपरेशन के लिए स्टडी मटेरियल? नहीं, एलन का स्टडी मटेरियल बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, तो उसमें हर चैप्टर का पहले ब्रीफ दिया जाता है, उसके बाद 3 एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1, 2, 3, 1 में बेसिक क्वेश्चंस, 2 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 3 में थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन। तो मैं हर चैप्टर के लिए पहले तो 1 बना लेता था, और 1 और 2 तो बनाना मस्ट ही होता है, 3 अगर टाइम मिले तो ठीक है, नहीं तो छोड़ के भी जा सकते हो। एलन का एलन ऐसा मॉड्यूल बनाया था कि उसके बाहर नीट में कभी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। तो इसलिए स्टडी मटेरियल तो बहुत, और सर का जो नोट्स, हर टीचर जो हम लोग को नोट्स बना के दिए थे, उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं बनता किसी स्टडी मटेरियल से। बिल्कुल। अच्छा सौम्य, बहुत सारे बच्चे हैं जो आपको अभी देख रहे हैं और नीट की तैयारी करने वाले हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, तो एक होता है स्ट्रेटजी कोई भी टारगेट अचीव करने के लिए, अगर आपने स्ट्रेटजी बनाई है सब्जेक्ट वाइज या अदरवाइज भी इन जनरल, तो आपकी क्या थी थ्रू आउट द ईयर? अगर हर सब्जेक्ट की बात करें, किस चीज़ पे आप ध्यान देते थे ज़्यादा, हर एक सब्जेक्ट का जो आप सेल्फ पे, और साथ ही जो क्लासेस में आपका फैकल्टी भी पढ़ा रही है उस पर, तो कैसे करते थे स्ट्रेटजी? तो मैं सारा सब्जेक्ट का पहला प्रेफरेंस मेरा क्लास नोट्स था, मैं क्लास नोट्स बहुत अच्छे से बनाता था, कि क्लास नोट्स में इतना ध्यान देते थे कि वो एकदम बहुत, मतलब या सोते के टाइम भी कोई पूछ लेगा तो वो क्लास नोट्स बता देंगे बस। हम मतलब जब क्लास चलता था तो पूरा क्लास नोट्स फॉलो करते थे, और बीच में एनसीईआरटी भी पढ़ लेते थे। तो बायो के लिए ज़्यादा तो क्लास नोट्स पढ़े, पर लास्ट का जो नीट के पहले का 4-5 मंथ्स तक हम बस एनसीईआरटी पढ़ते गए, क्योंकि उस टाइम आते आते क्लास नोट्स बिल्कुल रट गया था। और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी क्लास नोट्स प्लस एनसीईआरटी फॉलो किए थे हम। ये तो हुई बात आपने जिस तरह से मेंशन किया स्ट्रेटजी की, एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो कि एलन में बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके बारे में टाइम टू टाइम मेंशन भी करते हैं, और हम देखते हैं कि हाँ जी एग्जैक्टली आपने खुद ही समझ लिया, डाउट काउंटर्स। तो आप क्या जाते थे डाउट काउंटर्स, और उससे प्रिपरेशन में कुछ हेल्प मिली, किस तरह से मदद मिली? मेरा एक्चुअली घर बहुत पास ही था, साकार बिल्डिंग में मेरा क्लास लगता था, तो इसलिए जब भी कुछ डाउट एक्यूमुलेट हो जाता तो तुरंत मैं डाउट काउंटर पर जाके, वहाँ पर टीचर हर टाइम अवेलेबल रहता था हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक के लिए। तो किसी भी टीचर से पूछते थे तो वो एकदम करेक्ट आंसर विथ एक्सप्लेनेशन समझा देते थे, तो इससे बहुत हेल्प मिला, क्योंकि अगर डाउट रह जाए तो वो बहुत इफेक्ट करता है पढ़ाई को, कि एक चीज़ का कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से हमको नहीं आता है तो वो बाद में क्वेश्चन अगर वहाँ से आ गया तो हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए डाउट काउंटर बहुत हेल्पफुल रहा 2 साल में। एक सवाल जो मैं तीनों से पूछना चाहूँगी, जो कोई भी टारगेट हो सकता है आपका, जब आप उसको अचीव करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, फैमिली एक है, आपकी मेहनत एक है, आपका कंसिस्टेंटली उस पर काम करना, एफर्ट करना इम्पोर्टेंट। आपको क्या लगता है कि पहले आपकी बेटी और अभी सौम्य ने जो अचीव किया, उसके लिए क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं उनके सक्सेस में, कौन से फैक्टर्स हैं? सर आपसे शुरू करेंगे। मदर्स कंट्रीब्यूशन इज अच्छा है, बिल्कुल, मम्मी रही साथ, मम्मी रही साथ तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, हो सकता है। मेरा लड़की भी उनका मोटिवेट किया है जे कुछ करो, जे सभी आदमी आपको देख सकता है, आपका एग्जांपल बना सकता है, क्लास बाय हिमसेल्फ हो जाएगा तो सभी आदमी आपको जी, उनके पास था कोई जिनको वो देख सके, मोटिवेट हो सके। आपको क्या लगता है किस वजह से वो सक्सेस हो पाए? मेरा तो बेटा बेटी दोनों के लिए बहुत अच्छा लगा, हार्ड वर्किंग है वो दोनों। श्योर। अच्छा आपको क्या लगता है खुद? मेरे को तो एलन का सिस्टम बेस्ट लगा, कि इसके अलावा मैं इतना लेवल तक नहीं शायद पहुंच सकता था, एक लेवल तक तो पहुंच सकता था, पर उसके अबव जाने में एलन ही पूरा हेल्प किया। और अंत में सर, जो लोग आपको देख रहे हैं, पेरेंट्स खासकर, क्योंकि इतने समय से बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो पेरेंट्स को किस तरह से तैयार रहना चाहिए, और आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट्स को, कुछ कहेंगे जिनके बच्चे बाहर स्टेट से यहाँ आने वाले हैं कोटा, और जो यहाँ पे भी रह के तैयारी कर रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मम्मी से कुछ पापा से, आप क्या बोलेंगे जिनका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है? मम्मी और पापा जो साथ रहेगा तो बेटा और बेटी अच्छा रिजल्ट करेंगे। उनका सपोर्ट सिस्टम बन के रहना जरूरी है। एलन का टीचर भी बहुत अच्छा था, लेकिन जब 2021 में सितंबर में आया था, रात 11 तक
एक टीचर फ़ोन किया, कोई दिक्कत नहीं हो तो, इसीलिए मेरा बहुत एनर्जी आया जे वो टीचर जे एलन का पढ़ना स्टूडेंट का पढ़ने के लिए अपॉइंटमेंट किया है एलन अथॉरिटी. दे आर वेरी गुड इन कैरेक्टर एंड वेरी वेरी हेल्पफुल टू ऑल स्टूडेंट्स दोज हु क्रैक द नेट. इसीलिए मेरा बहुत शुभेच्छा उनके लिए. एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा है तो जे इतना स्टूडेंट, इतना सारे स्टूडेंट एलिन से मेडिकल क्रैक किया और आईआईटी क्रैक किया, ये वेरी गुड जॉब दे कैन. सौम्यदीप, अब अंत में लास्ट सवाल, और आपसे बहुत सारे बच्चे आपको देख रहे हैं अभी और इंस्पिरेशन भी लेंगे फॉर श्योर. उनको एक स्ट्रैटेजी चाहिए, किस तरह से प्लान करें, क्या चीज़ें करें, क्या चीज़ें अवॉइड करें करना, तो एक लास्ट मैसेज उन्हीं सभी लोगों के लिए जो कि नीट एस्पिरेंट्स हैं और तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं आने वाले समय में, क्या कहना चाहेंगे? आज के टाइम पे तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है ये मोबाइल स्मार्टफोन्स, तो इसके बिना अगर काम चल सकते, मतलब इसको जितना हो सके कम यूज़ करना चाहिए स्मार्ट गैजेट को, क्योंकि एलन का ये सिस्टम इतना अच्छा है कि स्मार्ट गैजेट्स का कोई यूज़ ही नहीं ज़्यादा पड़ता है, तो उसको जितना हो सके कम यूज़ करना है और अपने लक्ष्य की तरह डेली एक स्टेप करके जाना है, तो एक एक स्टेप अगर डेली भी जाओगे तो अपने लक्ष्य तक तो जरूर पहुंच जाओगे. ओके. और स्टडी मटेरियल आपके पास है तो आपको बहुत सारा ज़्यादा चीज़ें देखने की ज़रूरत भी नहीं है. स्टडी मटेरियल के अलावा कोई चीज़ उतना ज़रूरत भी नहीं पड़ता है नीट का प्रिपरेशन में. ओके. चलिए, कुछ अंत में कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे फाइनली एलन के लिए, कोटा के लिए? अब फाइनली जा रहे हैं, बच्चे का सपना पूरा होने वाला है. एलन तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट जी. कोटा एनवायरनमेंट भी ज़्यादा है स्टडी करने के लिए, बहुत सारा अच्छा एनवायरनमेंट यह था. और एलन का जो टीचर, जो एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर थैंकफुल टू ऑल मेंबर्स ऑफ द एलन फैमिली, दोज हु आर प्रिपेयर फॉर नीट और आईआईटी और इंजीनियरिंग के लिए. दे आर वेरी गुड. आपको कुछ कहना है कोटा के एक्सपीरियंस, कोटा के लोगों, दोस्तों के लिए? अलग अलग दोस्त तो बहुत हेल्प किए, जैसे मेरा ज़्यादातर दोस्त या तो बिहार नहीं तो यूपी का था, तो वो लोग के साथ एक हंसी मजाक का एनवायरनमेंट क्लास में रहता था, तो पढ़ाई का कभी स्ट्रेस नहीं आया कि पढ़ने में बहुत स्ट्रेस आ रहा है, कभी भी दोस्त को फोन कर लो तो उसको उससे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता था कि वो भी पढ़ रहा है तो मुझे भी पढ़ना चाहिए, तो ऐसा एक अच्छा फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिल जाता है दोस्तों के साथ. दोस्त भी बहुत हेल्प किया, मतलब कोटा में अगर आपने दोस्ती भी की है तो वो दोस्त भी पढ़ाई कर रहे हैं और आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी जर्नी बिल्कुल आपकी जर्नी की तरह है और टारगेट एक ही है. थैंक यू सो मच सौम्य सर, मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने स्ट्रेटेजी शेयर की, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आपने अपनी जर्नी शेयर की. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू.